गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जिहड़ा कि सीगा ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन का सैकेंड लैक्चर करांगे, जिस आप पढ़ांगे सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल बारे। सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल, नाम तो ही क्लीयर है कि जो आप सिस्टम डिवेलप करते हैं या सॉफ्टवेयर डिवेलप करते हैं उनका लाइफ साइकिल की है, उनका जिंदगी का चक्कर। लाइफ साइकिल मतलब जिंदगी का चक्कर की है। हुण सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल है की है? द सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ प्रोसैस बाय विच अ सिस्टम इज़ डिवेलप्ड, टेस्टेड एंड मेनटेन्ड थ्रू आउट इज यूजफुल हिस्ट्री। सो सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल एक प्रोसैस आ जिसके थ्रू आप करते हैं सिस्टम नू डिवेलप करते हैं, एक सॉफ्टवेयर नू डिवेलप करते, सिस्टम लिए एक सॉफ्टवेयर नू डिवेलप करते हैं। जो आप सिस्टम की गल कर रहे हैं ना, आप इतने सॉफ्टवेयर की गल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर नू सॉफ्टवेयर सिस्टम नू डिवेलप करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और उन्हें मेनटेन करते हैं, उन्हें मेनटेनेंस करते हैं थ्रू आउट इट्स यूजफुल हिस्ट्री। उसकी पूरी जी यूजफुल हिस्ट्री मतलब जिनी जो तक वरतों में है, जो तक आप यूज़ करने हैं। सो नैक्सट इज फेसिस ऑफ SDLC। फेसिस मतलब कि कहना आप पड़ा। देखो आप जो कोई काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो आप काम कट्ठा शुरू नहीं करते, आप पड़ा काम करते हैं कि पहला आप आह काम करा, फिर आप आह काम करा। उन्होंने आप कहने सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच की पहला मैं ये काम एक काम करूँगा, फिर नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके। हुण सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच। एक सिस्टमैटिक अप्रोच है विच ब्रेक डाउन द वर्क इनटू फेसिस, जिहड़ा की करता वा काम नू ब्रेक, क्योंकि काम बहुत वड्डा वा, उन्हें ब्रेक डाउन कर दिंदा छोटे छोटे पड़ावों के विच कि पहला आ काम खत्म कर लिया पहलांगे, फिर आ करांगे। विच आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट, जिन्होंने आप इंप्लीमेंट करना पैंदा, लागू करना पैंदा। नीदर न्यू और मोडिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे आप न्यू सिस्टम बना रहे होइए, चाहे आप पुराने सिस्टम नू मॉडिफाई कर रहे होइए, मतलब चाहे आप न्यू सॉफ्टवेयर बना रहे होइए, चाहे असी पुराने सॉफ्टवेयर नू मॉडिफाई कर रहे होइए, उस दे लई आपां नू इह चीज़ां इह फेसिस दी लोड पैंदी है। हुण किहड़े किहड़े ओह कदम ने, किहड़े किहड़े ओह पड़ाव ने जिहड़े आपां नू लोड पैंदी है सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल दे विच। तां नंबर 1 इज़ प्लैनिंग। सो स्टूडेंट्स, प्लैनिंग तो बिना कोई काम भी नहीं हो सकता। प्लैनिंग सानू हर चीज़ की करनी पैंदी है, प्लैनिंग करके ही काम हुंदा वा। सो प्लैनिंग दे विच पहला की हुंदा वा, कोई भी ऑर्गनाइजेशन जिहड़ी चाहुंदी है कि असीं अपने जिहड़े सिस्टम आ नू असीं अपग्रेड कराउणा वा, जां मैनुअल सिस्टम तों ऑटोमेटेड सिस्टम ते असीं लैके आना वा, तां ओह कॉन्टैक्ट करेगी किसी भी जिहड़ी सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट कंपनी नाल। तो सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट कंपनी है जी, उत्थे अपने इंजीनियर्स अपने एनालिस्ट भेजेगी, तो एनालिस्ट भेज के वो की करेंगे, बेसिकली एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजेंगे, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए इनिशिएट, मतलब स्टार्ट कर सकीए। थर्ड स्टेप हुंदा वा असीं इहनूं असैस फिजिबिलिटी। हुण फिजिबिलिटी की है? 3 तरह की फिजिबिलिटी हुंदी है, इकनोमिकल, टैक्नीकल एंड ऑपरेशनल। फिजिबिलिटी की है कि जिहड़ा असीं काम करना चाह रहे हैं वह कम हो भी सकता वा या नहीं हो सकता, डैट थिंग इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी। कि जो मैं काम करना चाहना वा, कि मैं सपोज करो मैं एक प्लेन बनाना चाहना वा, मेरे माइंड दे चा कि इदा दा प्लेन हैगा वा बन जूगा, तो उहदे च 3 चीज़ां आणगियां। नंबर 1 इकनोमिकल फिजिबिलिटी। इकनोमिकल फिजिबिलिटी की कहूगी कि सपोज करो मैं जिहड़ा प्लेन बना रहा वा, वह जिहड़ा प्लेन है जिहड़े पहला प्लेन बन रहे आ उहदे तो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं बनता पिया, उस तो घट कॉस्टली है, तो आपां नूं कहोंगे इकनोमिकल फिजिबल है। जो सपोज कर लैने आपां एग्जाम्पल लै लैने कि जिहड़ा मैं पहला प्लेन बनते सी वह 10 करोड़ का प्लेन बनते सी, एक प्लेन बनता सी, और मैं सोचा कि मैं एक प्लेन बनाऊँगा जिहड़ा कि 25 करोड़ का एक प्लेन होगा। ऑलरेडी 10 करोड़ च प्लेन बन रहे, 25 करोड़ का मेरा प्लेन बनाऊँगा, तो मेरा जो प्लेन है वो कोई खरीदूगा नहीं। अद्धे एक सॉफ्टवेयर है, कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, कोई बंदा वो बना के बेच रहा 10,000 का, मैं कहूँगा 50,000 का बना के बेचूँगा, ठीक है। तो वो की है इकनोमिकल फीजेबिलिटी नहीं, अगर मैंने 10,000 का मिलता मैं तो 50,000 का क्यों लवाना। हुण इदा ही जे किसी कंपनी है वो मैनुअली अकाउंट मेनटेन कर रही है, तो मैनुअली अकाउंट मेनटेन करने लिए उनका हर महीने का खर्चा 1,00,000 रुपया आ रहा, तो आपू कहने कि सर थानू असी सारा कंप्यूटराइज कर देंगे लेकिन थोड़ा महीने का खर्चा 5,00,000 आएगा। तो वो अपने तो जो सॉफ्टवेयर है जो अपग्रेडेशन है वो नहीं कराएगा,
क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकली उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, इकोनॉमिकली उन्हें कोई नुकसान ही हो रहा, तो वो अपना फिजिबिलिटी चैक करते हैं कि जो सिस्टम बनाए हैं ये इकोनॉमिकली फिजिबल हो, जो कस्टमर यूज़ कर रहा, जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है उन्होंने बेनीफिट ही हो, बेनीफिट होगा या नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड असी फिजिबिलिटी चैक करते हैं दी इकोनॉमिकल। सैकेंड असी एक फिजिबिलिटी चैक करते हैं टैक्नीकल, टैक्नीकली फिजिबिलिटी असं ये जो चैक करते हैं कि जोड़ा असं सोचा सी कि इस तरीके असं हजे अप्रूव लै रहे हैं कि इस तरीके असं सिस्टम डिजाइन करा, इस तरीके असं आ सॉफ्टवेयर लगावे, आ हार्डवेयर लगावे, आ मशीनरी लगावे, तो कि वो मशीनरी वो सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर अवेलेबल है भी कि नहीं है। अगर तो वह सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फिर तो आप कहेंगे कि वह टैक्नीकली फीजिबल है कि मैं i7 कंप्यूटर मंगाना चाहता, मार्केट i7 कंप्यूटर है, मैं विंडोज़ 10 यूज़ करना चाहता, OS मार्केट विंडोज़ 10 OS अवेलेबल हैगा वा, तो जो मेरा प्रोजेक्ट आ वह टैक्नीकली फीजेबल है, मतलब जी मैं टैक्नोलॉजी चाहिए वो मैं मिल जाएगी टैक्नोलॉजी, और मैं इदा ही टैक्नोलॉजी मैं चाहिए है जी अवेलेबल ही है नहीं मार्केट के, फिर आप कहेंगे कि वह टैक्नीकल फीजेबल नहीं है। थर्ड इज़ ऑपरेशनल फीजेबिलिटी, ऑपरेशनल फीजेबिलिटी की है कि जो मैं काम कर रहा वो ऑपरेशनल सही तरीके ऑपरेट कर पाएगी, जोड़े यूजर ने जिन्हें चलाना वा वो चला पागे, जो इन्ना औखा कंप्लीकेटड सिस्टम बन जूगा कि उन्होंने चला ही नहीं पागे, उन्होंने समझने से उन्होंने काफ़ी टाइम लग जूगा, उन्होंने समझ ही नहीं पागे सिस्टम को, तो वो डैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। प्लैनिंग के आप तीन फिजिबिलिटीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि अगर अभी फिजिबिलिटी नहीं पढ़ा अगे जाके अपन प्रॉब्लम्स आ सकदियां ने। पहला असं कहने कि अपरूवल लें प्रोजेक्ट की, फिर असं स्टार्टिंग इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग, फिर असं फिजिबिलिटी असैस करते हैं, फिर असं एक प्लैन बनाने कि इस तरह इस तरह आप काम करा। नैक्सट इज़ शड्यूल, प्लैन मतलब की है, असं प्लैनिंग बनाने कि असं इस तरह काम करा, पहले ये काम करा फिर ये करा। शड्यूल के असं दसते हैं कि असं ये काम जोड़ा वा एक महीने खत्म करा, ये काम सू 15 दिन चाहिए ने, ये काम लिए सू 20 दिन चाहिए ने, एक प्रॉपर असं शड्यूलिंग कर लें। हूँ प्लैनिंग तो बाद जो नैक्सट पेज आ, नैक्सट जो माइलस्टोन आ, जोड़ा अगला चरण है वह हैगा एनालाइसिस, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस नीड एंड प्रोसैसिंग नीड। एनालाइज के असं की करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस दियाँ नीड्स, बिजनेस दियाँ की नीड ने, उन्हें बिजनेस डेली दियाँ ट्रांजैक्शन होंदिया ने उन्हें प्रोसैसिंग करने की नीड्स ने। ये असं बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं, वह आप नैक्सट स्टैप पढ़ा, ऑब्जरवेशन टूल यूज़ करते हैं, क्वेश्चनरी यूज़ करते हैं, इंटरव्यू यूज़ करते हैं, वो आप नैक्सट चैप्टर के बारे डिटेल पढ़ा कि असं कि टूल यूज़ करते हैं बिजनेस नूं अंडरस्टैंड करने लई, बिजनेस नीड्स नूं अंडरस्टैंड करने दे लई। हुण असीं प्लैनिंग करन तों बाद एनालाइज़ कर ली, तो नैक्सट स्टैप कड़ा होएगा डिजाइनिंग। सो डिजाइनिंग दे विच असीं की करांगे, डिजाइनिंग च असीं सिस्टम नूं डिजाइन करांगे ऑन बुक, ऑन कॉपी, ऑन कंप्यूटर। असीं डिजाइन करांगे साडा कंप्यूटर किद्दां दा होएगा, साडा जो सॉफ्टवेयर असीं डिजाइन कर रहे हैं, सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम वो किद्दां दा होएगा, किहड़ा उन्ते OS यूज़ होएगा, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, किहड़ा डेटाबेस यूज़ करना वा, नैटवर्किंग किद्दां दी होनी है, किस बंदे नूं किन्ने किहड़े कंट्रोल देने आ, वो सारा कुछ असीं डिजाइन करते हैं। पहला ऑन बुक डिजाइन करते हैं, ऑन बुक डिजाइन तो करन तों बाद असीं करते हैं वो डिजाइन असीं कोडर नूं दिंदे आ, जिहड़ा कोडिंग करदा है, प्रोग्रामर जिहनूं आपां कहिंदे आ, वह उस डिजाइन की प्रोग्रामिंग करता वा, प्रोग्रामिंग करता वा, प्रोग्रामिंग बना के नैक्सट अपना बनाता इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन जो ही प्रोग्रामिंग बनाने आप जी डिजाइन किया प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर देने, प्रोग्रामिंग करने तो बाद असं टेस्टिंग करते हैं, असं टेस्ट करते हैं कि जोड़ा मैं काम भी कर जोड़ा मैं बनाया सी प्रोग्राम वो एक्चुअली डमी डाटा पा के टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा वा, ज मतलब असी कोई ट्रांजैक्शन का डाटा बनाया, ट्रांजैक्शन हो रही ने, सब कुछ हो रही ने, वो सब कुछ हो रहा, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने तो बाद असं ट्रेन यूजर जोड़े यूजर ने, हो सकता पहला वो हाथ नाल रसीदा कटते हैं, उन्होंने कंप्यूटर से रसीदा कट रही ने, तो उन्होंने ट्रेनिंग देनी पैनी है, आपां उन्हें ट्रेनिंग देने कि किस तरीके कंप्यूटर का यूज़ करना। और लास्ट वन इज़ इंस्टॉल न्यू सिस्टम, असी एक न्यू सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, न्यू सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उस तो बाद असी नैक्सट स्टैप आता अपना, फिर ये फेज तो अपना खत्म हो गया, नैक्सट फेज अपना आता मेंटेनेंस का, जिसे असं की करते हैं सिस्टम नूं मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस के विच की आ जाता, अगर सिस्टम से कोई ब्रेकडाउन आ जाते हैं, कोई सिस्टम
ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬੱਗ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਰੂਮ ਫੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਸਟੈਪਸ, ਫਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟਰੇਂਟਸ ਕੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰਿਟਨ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਡਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡੰਮੀ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇ, ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਗ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।